सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम विद्यार्थियों क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या होगा, इरेशनल नंबर प्रूव करना होगा, जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, और इनमें से एक एग्ज़ाम में पक्का आता है। जैसे शो करिए रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव या फिर रूट सेवन, मोस्टली इनमें से आता है इरेशनल नंबर प्रूव करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा ही आसान है ये। सबसे पहले एक प्रूफ करते हैं, दो तीन या पांच में से कोई एक ले लेते हैं। जैसे हम रूट पाँच ही ले लेते हैं, और पाँच दो आए तो फिर पाँच की जगह दो रख देंगे, तीन आए तो पाँच की जगह तीन रख देंगे, बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा। जैसे पहला ही सम एक्सरसाइज का प्रूफ दैट रूट फाइव, प्रूफ दैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। तो हम क्या काम करेंगे विद्यार्थियों, सबसे पहले मान लेते हैं लेट रूट फाइव बी ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर माना है तो सीधी सी बात है रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ये हमने डेफिनेशन में भी बताया था, रेशनल क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये को प्राइम नंबर है। या तो लिख दो पी एंड क्यू आर को प्राइम, या फिर एच सी एफ ऑफ पी क्यू इक्वल टू वन ले लिया, एक ही बात है। अब हमने यहाँ इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, रूट फाइव क्यू इक्वल टू पी, फिर स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ क्या आएगा फाइव क्यू स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब विद्यार्थियों कोई नंबर इक्वल टू दिया हो, जैसे 10 इक्वल टू 2 गुणा 5 दिया है, तो इसका मतलब क्या है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ ई और 5 इज ए फैक्टर ऑफ ई। सेम वे यहाँ देखिए, जैसे पी स्क्वेयर इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वेयर दिया है, इसका मतलब 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वेयर, 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वेयर। और कोई भी स्क्वेयर का फैक्टर है ना, तो बेटे वो उसका स्क्वेयर ना लें तो भी फैक्टर होगा। जैसे हमने मान लिया 16 का 2 फैक्टर है, तो 4 का भी 2 फैक्टर होगा, यानी ये 4 का स्क्वेयर था, 4 के स्क्वेयर का 2 फैक्टर, तो इसके स्क्वेयर हटाने के बाद भी इसका फैक्टर आएगा। ये आपकी थ्योरम भी है, एक फंडामेंटल थ्योरम, यानी कोई नंबर यदि स्क्वेयर का फैक्टर है तो वो विदाउट स्क्वेयर का भी फैक्टर होगा। तो इसका मतलब 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पी, 5 है वो पी का भी एक फैक्टर होगा। अब विद्यार्थियों 5 पी का फैक्टर होगा तो पी इक्वल टू समथिंग होगा, यानी 5 इंटू कुछ होगा जो हम मान लेते हैं m, और यहाँ बता दिया m इज एनी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर। जैसे हमने मान लिया लेट बी पी इक्वल टू ये होगा, क्योंकि पी का फैक्टर है 5। फिर हमने स्क्वेयर और किया इसका, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ क्या आएगा पी स्क्वेयर, यहाँ क्या आएगा 25 ओम स्क्वेयर। पी स्क्वेयर इक्वल टू ये दिया हुआ है, पी स्क्वेयर इक्वल टू ये दिया हुआ है विद्यार्थियों। इसको हमने इक्वेशन वन ले लिया और इसको इक्वेशन टू ले लिया, ये भी पी का स्क्वेयर है, ये भी पी का स्क्वेयर है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यह हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, क्या होगा 25 ओम स्क्वेयर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वेयर। यहाँ फिर क्या होगा, 5 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ 5 से 5 पे काटा, 5 ओम स्क्वेयर इक्वल टू क्यू स्क्वेयर, यानी वही सेम सिचुएशन दोबारा आ जाती है जैसे पी स्क्वेयर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वेयर था, तो हमने लिखा 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वेयर, 5 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पी। सेम वे यहाँ होगा, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वेयर, क्योंकि क्यू स्क्वेयर इक्वल टू 5 इंटू समथिंग है, तो 5 इज ऑल्सो ए, ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ क्यू। ये इक्वेशन बी ले लेते हैं और ये इक्वेशन ले लेते हैं विद्यार्थियों ए। यहाँ देखिए इक्वेशन ए और बी क्या कहती है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ पी, 5 है वो पी का फैक्टर है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ क्यू, 5 है वो क्यू का भी फैक्टर है, P और Q दोनों का फैक्टर 5 है, इसका मतलब हमारा P और Q का एचसीएफ क्या होगा 5,
परंतु हम लेके क्या चले, एक ये क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया, यानी जो लेके चले उसका उल्टा आ गया। तो ये सब यहाँ लिखे हैं। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को गलत मान लेने, सही लेके चले और उल्टी प्रूफ हो जाए, वो उल्टी प्रूफ होती है, तो इसका मतलब हम कंट्राडिक्ट हो रहे हैं। कंट्राडिक्ट होगा तो जो चीज़ हम मान के चले हैं वो गलत होती है हमारी, और सही क्या होती है, उसके अपोजिट होती है। तो यहाँ हम मान के चले इरेशनल, रेशनल मान के चले हैं तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। जैसे देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधी सी बात ये विद्यार्थी है, यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बट वी एज्यूम एचसीएफ पी क्यू इक्वल टू 1, इट इज कंट्राडिक्ट। ये कंट्राडिक्ट हो गया, सो वी एज्यूम रॉन्ग। इसका मतलब हमने गलत माना है, और हैंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, कोई भी सम दिया हो, रूट 2, 3 या 5, 7 कुछ भी आ जाए, हम इसी तरह से इसको करेंगे। यदि 2 आ जाए तो 5 की जगह 2 रख देंगे, जहाँ पे 25 आए वहाँ 4 आ जाएगा, 3 आए तो 3 रख देंगे, 7 आए तो 7 रख देंगे। इस तरह से 2, 3, 5, 7 का आप खुद करेंगे, यानी इसके एक ही सवाल से 4 पार्ट हो जाते हैं जो आप खुद ट्राई लेंगे। और क्या आता है इसके बाद, इसके बाद या इस टाइप का सम आ जाता है, जैसे प्रश्न संख्या 2 हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 3+2√5 इज इरेशनल नंबर। जब भी प्लस या माइनस में इस तरह का नंबर आए ना विद्यार्थी, होती है, ये भी बड़ा आसान है, हम अलग तरीके से कर लेंगे और सही होता है, ऐसे करेंगे तो भी, तो आप ऐसे ही करेंगे। जैसे लेट 3+√5 बी ए रेशनल नंबर, अब ये रेशनल नंबर है ना, तो क्या काम करेंगे हम, इक्वल टू कोई भी नंबर पी बाई क्यू ले लो, कोई जरूरी नहीं हमने आर ले लिया, ये भी रेशनल हो सकता है। अब हमें एक ही काम करना है, जो एक ही रेशनल नंबर दिया हो उसको तो अलग रखेंगे, बाकी सारे दूसरी तरफ ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2√5 इक्वल टू आर माइनस 3, रूट 5 इक्वल टू आर माइनस 3 बाई 2। जब ये रेशनल था तो रेशनल में कुछ भी रेशनल ऐड कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, डिवाइड कर दो, वो रेशनल आता है। ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ये रेशनल है तो इक्वल टू दिया हुआ ये भी रेशनल होगा। बट वी नाउ दिस इज ए इरेशनल, हम ये जानते हैं इरेशनल है, ये कंट्राडिक्ट हो गया। सेम वे जो हम मान के चले वो रॉन्ग है, और ये आपका इरेशनल होगा। यानी लिखेंगे कैसे, आर इज रेशनल, आर इज रेशनल नंबर, सो आर माइनस 3/2 बी ए रेशनल। अब आर माइनस 3/2 इज रेशनल नंबर, सो √5 बी ए रेशनल। ये आप लिखेंगे बेटे, इस तरह से लाइन नहीं लगाएंगे, बट वी नाउ, परंतु हम जानते हैं √5 बी एन इरेशनल नंबर, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ ये रेशनल है, इट इज कंट्राडिक्ट, ये विरोधाभास हो गया, सो वी एज्यूम रॉन्ग, वी एज्यूम रॉन्ग, और हैंस 3+2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसके बाद विद्यार्थियों, थर्ड सम के पार्ट संख्या 7 × √5, 6+√5 भी आप सेम इसी वे से करेंगे। जैसे देखिए इसकी जगह हम क्या ले लेंगे, ये ले लिया 7√5, तो यहाँ 7√5 इक्वल टू आर आ जाएगा, √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। तो यहाँ आर इज ए रेशनल, तो इसकी जगह क्या आएगा, आर बाई 7 इज ए रेशनल।
यहाँ आर बाई सेवन इज इरेशनल, तो यहाँ रूट फाइव और सेम ही हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, सेवन रूट फाइव ये इरेशनल नंबर। सेम वे आप इसका तीसरा पार्ट करेंगे, तीसरे में क्या लिखेंगे, सिक्स प्लस रूट टू इक्वल टू आर होगा, रूट टू इक्वल टू क्या होगा, आर माइनस सिक्स हो जाएगा। आर भी इज ए रेशनल नंबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर माइनस सिक्स इज ए रेशनल नंबर। आर माइनस सिक्स रेशनल होगा तो रूट टू भी रेशनल होगा, बट रूट टू इरेशनल नंबर हो रही है। सेम इसी वजह से आप खुद करेंगे। प्रश्न संख्या तीन के पहले पार्ट की बात करें, पहला पार्ट चाहें तो आप सीधा ही कर देना, वन बाय रूट टू दिया हुआ है, इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करेंगे तो वन बाय टू इंटू रूट टू आ जाएगा, वन बाय टू रेशनल नंबर, वन बाय टू रेशनल नंबर, रूट टू इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर इरेशनल, यानी रेशनल और इरेशनल की प्रोडक्ट इरेशनल होती है विद्यार्थियों। सो वन बाय रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.3 विद्यार्थियों आपकी पूरी होती है। धन्यवाद। फिर नोटबुक में पूरी करेंगे।